स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज़ वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है. ठीक है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, या हम इसे कहें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. वाई डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O. 10H2O के टेन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं. ठीक है, डेका मीन्स 10 वाटर के मॉलिक्यूल. सो हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर इट, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले जब हमने ईटिंग सोडा को मैन्युफैक्चर किया था, कि इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं. राइट, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है आपसे कि डिफाइन सॉल्वे प्रोसेस, तो कन्फ्यूज नहीं होना है. अगर वो सॉल्वे प्रोसेस की बात कह रहा है तो इट मींस दैट वो आपसे कह रहा है कि आप कैसे वॉशिंग सोडा को फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो सॉल्वे प्रोसेस जो है वो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन की प्रोसेस है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इसमें सिमिलर है बिल्कुल जो हीटिंग सोडा में था. उसमें क्या था, हमने सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ सैचुरेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड वी ऑल नोज, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, कि अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर. दैट्स व्हाई इट विल सेपरेट आउट एज अ सॉलिड प्रिसिपिटेट. ओके, तो हम आसानी से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया जहाँ पे ईटिंग सोडा फॉर्म हो गया. ठीक है, ओके, नाउ अब हम इसे कैल्सिनेशन करेंगे. कैल्सिनेशन का मतलब है हीट करना. ओके, इट मीन्स दैट कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो जब हम कैल्सिनेशन करेंगे, इसे हीट करेंगे, सो इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग फायर. जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करें, तो उस टाइम पे हम इसे यूज करते हैं इस रिएक्शन को, कि हम इसे हीट करेंगे एंड इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज एंड विच एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर, जो आग को बुझाने का काम करती है. राइट नाउ, तो देखिए यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ वो एनहाइड्रस है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है. लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऐसे सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है जो प्रॉपरली हाइड्रेट हो, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो. क्यों? क्योंकि इसका यूज ही है कि क्लॉथ को क्लीन करने में, लॉन्ड्री में यूज़ होता है. तो लॉन्ड्री में अगर इसको यूज़ करना है तो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, सो नाउ इन द थर्ड स्टेप वी रिक्रिस्टलाइज सोडियम कार्बोनेट. इट मीन्स दैट वी रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट विथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रस. ओके, इसमें वाटर प्रेजेंट है, सोडियम कार्बोनेट, और यही एंड है रिएक्शन का. सो इस थ्री स्टेप में हमने इस रिएक्शन को समझा. पहले स्टेप में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म किया, सेकंड स्टेप में हमने कैल्सिनेशन किया और इसमें से वाटर को रिमूव कर लिया. इट मींस हमने सॉल्ट को अब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया. नाउ वी अगेन रिक्रिस्टलाइज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाय रिएक्टिंग इट विथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O. तो ये रिएक्शन फिनिश हुई. अब हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, जनरली ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है. ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तरह स्प्रिंगली सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल है. और सॉल्युबल होने के बाद ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, जो जनरली डर्ट वगैरह को रिमूव करने में या क्लीनिंग में यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर. ओके, राइट, सो दीज आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस सम इट्स यूजेस. यूजेस क्या है इसके, फर्स्ट यूज इन लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में यूज होता है. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, क्लॉथ को क्लीन करने में. ओके, नाउ सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज एज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की, उसको रिमूव करने में यूज होता है. वेल, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, हार्डनेस. वेल, हार्डनेस क्या है, जनरली वाटर में जो हार्डनेस है वो दो टाइप की होती है. एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस, दैट वन इज
permanent hardness. Temporary hardness is occurred due to presence of bicarbonates, due to bicarbonates of calcium and magnesium salt. Agar calcium and magnesium salt ke bicarbonates hain, okay, calcium and magnesium ke agar bicarbonates present hai to ye water mein temporary hardness ko cause karenge, and temporary hardness can be removed by using, by boiling. Boiling se hum isko temporary hardness ko remove kar sakte hain, okay. To kaise check karenge hardness ko? Most of time kya hota hai ki water mein detergent soluble nahi hota, theek hai, ya cloth properly wash nahi ho rahe, to ye indicate karta hai ki water mein kuch hardness hai, okay. Agar temporary hardness hai तो वो होगी जनरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसे हम बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं, ओके. जैसा कि कॉमनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पे वाटर में आपको परमानेंट या हार्ड टेम्प्रेरी हार्ड वाला ही वाटर मिलेगा. अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस अकर ड्यू टू सल्फाइट एंड क्लोराइड, ओके, ड्यू टू सल्फेट या